नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पल के बिछाए भारत जिस राष्ट्राध्यक्ष का इंतजार कर रहा था, उन्होंने ऐन मौके पे अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। असल में इसराइल में इन दिनों चुनावी माहौल है। मई में वहाँ आम चुनाव हुए थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुद उस वक्त गठबंधन की सरकार बनाने में और बहुमत की सरकार बनाने में फेल हो गई थी, जिसके बाद संसद ने दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया और अब 17 सितंबर को वहाँ पे आम चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच इस चुनावी तैयारियों में कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भरपूर पार्टी की तरफ से भुनाने की खूब कोशिशें की। आलम यह था कि पार्टी की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ पीएम मोदी और साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कहीं के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बैनर भी लगाए गए, जिसके बाद कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगने लगे कि लिकुद पार्टी भरपूर कोशिश करेगी चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा कराना, ताकि ये दिखाया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू का कोई जोड़ नहीं है और देश की सुरक्षा के लिए आखिरकार वो कितने अहम हैं। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू अब तक के प्रधानमंत्री में कहें कि इसराइल के लंबे वक्त से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री का उनका रहा है। और बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की और पीएम मोदी की दोस्ती की, तो हर कोई उनकी करीबी कहें कि दोनों के बीच कितनी करीबी है, दोनों दोस्त कितने करीबी हैं और दोनों देशों को एक साथ लाने में इन दो दोस्तों की भूमिका कितनी अहम रही है, ये जग जाहिर है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, या फिर यूँ कहें कि इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही इसराइल का दौरा किया था। तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितनी उनकी दोस्ती में कितनी गर्मजोशी है, या फिर ये कहें कि दोनों दोस्तों की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से साफ लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी इसराइल जाते हैं तो वो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, और जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते हैं तो उनके लिए बकायदा उन्हें एयरपोर्ट लेने पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने एक दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले थे और इस बीच आने से पहले ही उन्होंने पीएम मोदी को बकायदा फ़ोन किया और बताया कि वो इस वक्त चुनावी प्रक्रिया में कहें कि चुनाव में उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते वो अपने इस यात्रा को रद्द कर रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भारत दौरा रद्द किया। इससे पहले जब मई में आम चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी चुनाव से पहले उन्हें भारत आना था, लेकिन चुनावी व्यस्तता के कारण उनको अपना दौरा रद्द करना पड़ा। और अब ये दूसरी बार है जब सितंबर के यानी कि 17 सितंबर को जब आम चुनाव है और इससे पहले उनको अपना ये एक दिवसीय भारत दौरा रद्द करना पड़ा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ही दोस्ती नहीं दिखाई जाती, पीएम मोदी भी अब भरपूर दिखाते हैं कि उनकी और बेंजामिन के बीच कितनी करीबी है, उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है। क्योंकि आपको बता दें कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब पीएम मोदी को बधाई देने के मामले में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उसमें सबसे आगे बेंजामिन नेतन्याहू थे। उन्होंने तो बकायदा ट्वीट कर पीएम मोदी को कहा था कि मेरे दोस्त @NarendraModi, आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं। हम साथ मिलकर भारत और इसराइल के बीच घनिष्ठ मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने इस चुनाव को जीत लें और उसके बाद भारत दौरे पर आएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। Exceptional generosity with your time and friendship. I will truly cherish the most wonderful dinner
that you and Mrs. Netanyahu hosted for me yesterday. Our conversation last night, meeting Mrs. Netanyahu, learning about your family, especially what you told me about your father, has taken my experience of a beautiful country to a whole new level. India admires the success of your people in overcoming adversity, advance, innovate and flourish against all odds. Friends, I'm honored to be in Israel on this extraordinary visit. In our modern journey, our paths have been different. But our belief in democratic values and economic progress has been a shared pursuit. This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties, and to jointly venture toward new horizons of engagement. Prime Minister Netanyahu and I have had productive discussions covering an extensive menu of issues, not just on areas of bilateral opportunities, but also how our cooperation can help the cause of global peace and stability. Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. Friends, Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's government. We agreed that efficiency of water and resources use, water conservation and its purification, productivity increase in agriculture are key areas in deepening our bilateral cooperation. We are of one view that together our scientists and researchers would develop, build, and implement mutually beneficial solutions in the field. Our decision to establish a bilateral technology innovation fund worth $40 million for research in industrial development will help us in achieving this goal. We regard thriving two-way trade and investment flows at the bedrock of a strong partnership. Prime Minister Netanyahu and I agree on the need to do more in this direction. Businesses on both sides should take primary lead in such efforts. This would also be our message to the CEO Forum tomorrow. Friends, India and Israel live in complex geographies. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So has Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace.
We also discuss the situation in West Asia and the wider region. It is India's hope that peace, dialogue and restraint will prevail. Friends, our people hold natural affinity and want for each other. The Indian origin Jewish community reminds us of this bond. It also serves as a bridge to a shared future. In recent years, we have been receiving a large number of Israeli tourists in India. At the same time, more and more Indian students are choosing to pursue advanced academics and research in your best universities. I am confident that the strength of these links, old and new, will hold us in good stead as we force a partnership for the 21st century. Friends, around 150 kilometers from here, there is a slice of history in the city of Haifa in Israel. That is very dear to my country. This is the final resting place for 44 of the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I in liberating that city. Tomorrow, I will travel to Haifa to pay homage to our brave Indian soldiers. Excellency Netanyahu, it has been a productive and memorable 24 hours in Israel. I'm sure the rest of my stay would be equally exciting. Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. I again thank you for your warm welcome and hospitality. Thank you. Thank you very much. Shalom. Thank you. Please remain seated.